सिक्स पैक एब्स, फूले हुए बाइसेप्स, चौड़ी छाती और शानदार पर्सनालिटी, इन सब चीजों को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। और इस तरह की पर्सनालिटी पाने के लिए लोग घंटों जिम में मेहनत करते हैं, पर जिम में मेहनत करने वाले लोगों की संख्या 10-20% ही होगी, क्योंकि उसके अलावा जितने भी बॉडी बिल्डर्स आप देखेंगे उन्हें तो शॉर्टकट्स के अलावा कुछ और नहीं आता, क्योंकि मेहनत जैसा शब्द इनकी डिक्शनरी में दूर दूर तक नहीं है। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ही फेक बॉडी बिल्डर से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद बॉडी बिल्डिंग के नाम से ही आपका भरोसा उठ जाए। ब्राजीलियन हल्क ब्रदर्स। दोस्तों, सबसे पहले आप ब्राजील में रहने वाले इन हल्क ब्रदर्स से मिलिए, जहां टोनी गेराल्डो और एल्वारो पेरेरिया को हल्क ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इनकी बॉडी को देखकर ये मत समझ जाइए कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके बॉडी बनाई है, क्योंकि इन्होंने मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में की है और वो है स्टेरॉयड लेने में। इनकी बॉडी नकली है जहां इसे स्टेरॉयड लेकर बनाया गया है, वो भी अभी नहीं जब ये दोनों भाई मात्र 15 साल की उम्र से स्टेरॉयड ले रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने कई बार खुलेआम भी लोगों से बोला है। और आप ये बात जानकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि जिस ड्रग्स का इस्तेमाल ये लोग अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए कर रहे थे उसे बीमार घोड़ों को दिया गया है ताकि उनकी मसल्स मजबूत हो जाए। और अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें अगर ये अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो असर तो होगा ही होगा, जिसका नतीजा आप इनकी बॉडी को देखकर लगा सकते हैं। ब्रैड कैसलबेरी। अब ये बात तो सभी अच्छे से जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ठीक उसी तरह ब्रैड कैसलबेरी भी एक ऐसे ही बॉडी बिल्डर है जिनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। और अपने फॉलोअर्स को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए ये अपनी बॉडी कैसे भी करके लेकिन बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से इनकी कुछ फोटोज और वीडियोज तो ऐसी हैं जिसे देखकर लगता है कि इस तरह का वर्कआउट करना वाकई में बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसे में जब इनकी 2007 की डेड लिफ्टिंग की फोटो देखी जाए तो इन्होंने वही सेम वजन उठाया जो 2018 में उठाया, लेकिन 9 सालों में इनकी बॉडी काफी ज्यादा जॉइंट हो गई है। पर अगर वाकई ऐसा है तो वो चीज इनकी डेड लिफ्टिंग में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि उसका वजन तो 9 सालों से सेम है। क्यों दोस्तों, सोचने वाली बात है ना। ग्रेसियनी बारबोसा। हमें पता है इन मोहतरमा को देखने के बाद आपके मुंह से डायरेक्ट यही निकला होगा, वाह क्या बॉडी है इसकी। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें इनकी बॉडी दिखने में तो वाओ है, लेकिन इनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इनकी वाहवाही की जाए, क्योंकि ग्रेसियनी नाम की इस इंस्टाग्राम मॉडल की 2017 की वीडियो इनकी फेक बॉडी का साफ साफ सबूत देती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि ये 204 किलोग्राम का वजन उठा रही है, और वो भी इतने आराम से जैसे कि 204 किलो का नहीं बल्कि 4 किलो का कुछ उठा रही हो। और ना इनकी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ रहा है और ना इन्हें पसीना आ रहा है। पर अगर हम इनका कंपैरिजन उस टाइम की फीमेल पावर लिफ्टर चैंपियन वाई लिंग के साथ करें तो इन्होंने भी लगभग इनके बराबर का ही वजन उठाया था, लेकिन उनकी मेहनत और स्ट्रेस उसकी बॉडी में साफ नजर आ रही है। ऐसे में आप खुद ही बताइए कि इन्हें किस एंगल से हम रियल बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। नतालिया कुज़नेट्ज़ोवा। दोस्तों, बॉडी बनाने में मेहनत लगती है ये तो हम मानते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो हॉर्मोन्स वगैरह की वजह से उन्हें और ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप ड्रग्स की मदद से ऐसा कर रहे हैं तब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुकी नतालिया कुज़नेट्ज़ोवा ने भी हमारी आज की इस फेक बॉडी की लिस्ट में शामिल होकर ये बता दिया है कि ये भी फेक बॉडी बिल्डिंग की ही शौकीन है। यूं तो इन्होंने कई बार वेट लिफ्टिंग से लेकर बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग तक हर चीज करके दिखाई है, लेकिन इन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यू में ये भी कहा है कि इस तरह की बॉडी पाने के लिए नतालिया ने स्टेरॉयड के साथ साथ ऐसे हॉर्मोन्स की मदद ली है जिसकी वजह से इनकी बॉडी में मेल हॉर्मोन्स की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। इसी वजह से जब आप इनकी आवाज सुनेंगे तो आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कोई लड़की बोल रही है, और ठीक ऐसा ही इनकी बॉडी के साथ भी है। हाँ, माना कि लड़कियां बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में बहुत नाम कमा रही है, लेकिन इतना भी नहीं कि लड़कियां और लड़कों की बॉडी बिल्डिंग में कोई फर्क ही नजर ना आए। वैसे दोस्तों, इतना कुछ देखने के बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर साइड इफेक्ट ना भी हो तो भी स्टेरॉयड जैसी चीज को लेकर बॉडी बनाना सही है या गलत? आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हो, बता दो फिर। ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों, कई सारे लोग अलग अलग तरह की चीजें करके मशहूर हो जाते हैं, लेकिन ग्रेग वैलेंटिनो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी बॉडी में स्टेरॉयड इंजेक्ट करके मशहूर हुए। जी हाँ, इन्होंने स्टेरॉयड्स इतनी ज्यादा ले ली थी कि लोग इन्हें पहचानते ही इसीलिए थे क्योंकि ये स्टेरॉयड लेते हैं। इनकी बॉडी के हर पार्ट में आपको स्टेरॉयड स्टेरॉयड देखने को मिलेगा।
उसके अलावा इनकी बॉडी का मांस व हड्डी कहीं खोसी गई है और इसी स्टेरॉइड की वजह से इनकी इतनी हालत खराब हो गई कि इनके हाथों की मसल्स पूरी फूल गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। इसलिए इन्होंने खुद ही छुरी चाकू लेकर अपना ऑपरेशन करने की सोची, जिसका दर्द इनसे सहा नहीं गया और फिर मजबूरन डॉक्टर को इनका ऑपरेशन करना ही पड़ा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद इन्होंने तब से कसम खा ली कि स्टेरॉइड को हाथ भी नहीं लगाएंगे। किरिल टेरेशन, कुछ लोगों की बेहतर बॉडी बिल्डर बनने की जिद उन्हें किस हाल तक ले जाती है, अब आप खुद ही देख लीजिए। जहां इस रशियन लड़की की उम्र मात्र 24 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में इसने खुद को उस गंदगी में झोंक दिया जहां से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स बाहर निकलना चाहते हैं। जी हां, इन्हें भी बॉडी बनाने का बड़ा शौक था और खास करके इन्हें फूली हुई बाइसेप्स बड़ी अच्छी लगती थी। और एक बार तो इनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से इन्हें बड़ा जलील किया गया, और तभी से इन्होंने सोच लिया कि अब एक बेहतर बॉडी बनाकर उन्हें दिखाएंगे और सबक भी सिखाएंगे, जिसके लिए इन्होंने अपने हर एक बाजू में 3 लीटर सिंथॉल इंजेक्ट करवा लिया, जिसका असर आप इनकी तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इनका हाथ पूरी तरह से फूल गया है, जो केवल दिखावटी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके इन हाथों में वो स्टेमिना नहीं है जिससे किसी को भी अब मारा जा सके। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे आपके लिए। रोमारियो डॉस सैंटोस एल्विस, दोस्तों अब आप ब्राजील में रहने वाले रोमारियो डॉस सैंटोस से मिलिए, क्योंकि इन्हें एक रियल लाइफ हल्क बनना था, जिसके लिए इन्होंने शुरुआत में तो बहुत मेहनत की लेकिन इन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया, और फिर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा सिंथॉल लेना शुरू कर दिया। ये और कुछ नहीं बल्कि पेन किलर ऑयल और अल्कोहल का एक मिक्सचर है, जिसे लेने के बाद बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में अगर इन्हें डायरेक्टली मसल में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये काफी ज्यादा तेजी से असर करते हैं, और वो असर आपको इनकी बॉडी पर भी दिखाई दे रहा होगा, जहां ये वाकई में बहुत सख्त बॉडी के मालिक बन गए। पर दोस्तों, एक दिन इनका एक दोस्त इसी केमिकल को लेने की वजह से मर गया, जिसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि इनका भी अंत नजदीक आ जाएगा अगर ये इसे लगातार लेते रहेंगे, जिसके बाद इन्हें अक्ल आ गई और इन्होंने अब नेचुरल तरीके से बॉडी बनानी शुरू कर दी। पर दोस्तों, वो कहावत है ना कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो पछताने से क्या फायदा, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बॉडी तो इनकी खराब हो ही गई है, अब ये लाख क्यों ना नेचुरल तरीके से बॉडी बनाने की सोचें। इजिप्शियन पोपे, अगर आपको अपने बेहद ही पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर पोपे द सेलर मैन याद है तो आप इन्हें देखकर बहुत अच्छे से रिलेटेड कर पाएंगे। दोस्तों, इजिप्ट में रहने वाले मुस्तफा इस्माइल नाम के इस व्यक्ति की बॉडी देखकर कोई भी आंख बंद करके ये कह देगा कि ये स्टेरॉइड का कमाल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियां कभी नहीं मानते, और ये भी उनमें से एक है, जहां इन्होंने हमेशा से इस बात से इनकार किया कि ये स्टेरॉइड लेते हैं। लेकिन 31 इंच के इनके बाइसेप्स देखकर वाकई लगता है कि इन्होंने जिम में मेहनत की होगी, लेकिन जब इनकी बाकी की बॉडी पर नजर डालें तो वो कुछ खास नहीं है। ऐसे में कोई इस बात पर कैसे यकीन कर ले कि ये असली बॉडी है, ना कि स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट भी होते हैं, और जो आप इतने सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं ये उन्हीं साइड इफेक्ट्स का नतीजा है। ऐसे में इन लोगों की तरह बेवकूफ बनने की गलती मत कीजिए, वरना बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी खराब कर बैठोगे। वाल्डिर सेगाटो, ये सब जानते हुए कि सिंथॉल जैसे ड्रग को इस्तेमाल करने से इनकी बॉडी पूरी तरह से भद्दी लगनी शुरू हो जाएगी, जहां वो हिस्सा बहुत ही ठोस और फूला हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी वाल्डिर सेगाटो नाम के इस शख्स ने किसी की एक ना मानी और न सिर्फ अपने हाथ में बल्कि इन ड्रग्स का इस्तेमाल अपनी पीठ और छाती में भी करवाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा आप खुद देख सकते हैं। मतलब इतने ज्यादा भयानक लगते हैं कि इन्हें अगर कोई बच्चा रात में देख लेगा तो वो भी डर जाएगा। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए, भला इस तरह की दवाइयां खाकर अगर आपकी बॉडी बन भी गई तो उस बॉडी का फायदा क्या है, जब आप अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। अरलिंडो डिसूजा, अब इन जनाब के बाइसेप्स देखकर आप भी बोलेंगे क्या डोले हैं भाई के, पर हम आपको बता दें कि ये इनके डोले सिर्फ हाथी के दांत की तरह हैं, जो दिखाए जा सकते हैं लेकिन किसी के काम के नहीं है। ब्राजील के रहने वाले अरलिंडो डिसूजा को इनकी होम कंट्री में द माउंटेन कहकर बुलाया जाता है, और इन्होंने भी ओपनली सबके सामने ये बताया कि इन्होंने सिंथोल का यूज करके बॉडी बनाई है। वैसे ना भी बताते तो भी लोगों को पता चल जाता कि ये सब कुछ ड्रग्स का कमाल है, वरना पूरा शरीर वैसा का वैसा और खाली बाइसेप्स इतने फूले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड जैसी चीजों की वजह से ऐसा होता है। और वैसे अब इन्होंने ये ड्रग लेना बंद कर दिया है, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब इनकी बॉडी काफी ज्यादा फूल गई थी, यहां तक कि ये अपने हाथों की मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने इनका इलाज करने से मना कर दिया। जैसे जैसे इनकी हालत सुधरी और तब से इन्होंने ठान लिया कि ये कभी सिंथोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।